जगी गलती मैं करी जागे अठो दोबारा बा गलती जिंदगी में कदी दोरा ने वो काम कौन करा मैं का 40 साल का करे नौजवान बच्चों जो है वो दियो है। आज कांग्रेस का है कि ये तो काम काम आग नु करवा लो और वोट थे माने दे दो मैं को माने दो लाता नहीं काम में पड़े ना तो गांव काटन को काम करो ये 5 साल विधायक बन के करियो के बाप बेटा मेरी सारी उम्र घर चाय पिलानो डरता सारी उम्र रेस्ट हाउस में निकाल के अरे मैं तो सुता तो इसे भी सुते को के काम करो जो सारी उम्र थे सासरम काट दी लोगों के बीच में रो चौधरी देवीलाल को पढ़ो तो है सारी उम्र चौधरी देवीलाल लोगों के बीच में रहे मैं कोई दादो सारी उम्र लोगों के बीच में रहे और लोगों का काम करे तो राजनीति मैं आज बैठे बैठे मैं वही सोचे कि मैं मेरे दूर दूर तक मैं कभी लोगों के बीच में कौन आई डी तो आठे का जगह नौजवान मेरा बच्चा है मैं इतनी घबरा गई कि मैं लिखे मन क्या में बिठा ले पर मन खुली जीप में ना लेके जाओ थे बच्चा की एक बड़ी जिद थी और मैं पहली बार पब्लिक के बीच में खुली जीप में मैं स्टेज पर आई तो वो दिन मन आज याद आ गयो कि वो ही प्यार वो ही स्नेह वो ही जोश वो ही जुनून और वो ही ताकत जती है जब इनेलो ही आज जननायक जनता पार्टी तो वो ही जोश और जुनून है भगवान करे वो जोश और जुनून आ ताकत है नारा जगह है मैं 5 अक्टूबर तक हरइए बना रहे ये ताकत के सागे थे वोट मांग लो घर घर जाके ये ताकत के सागे थे पूरो जननायक जनता पार्टी जिको है वो घर घर हर दहलीज तक पहुंचाने को काम करो और एक बड़े बहुमत के साथ है जिको आज जननायक जनता पार्टी ताने एक बहुत अच्छो उम्मीदवार दियो है क्योंकि 2019 में मन याद है मैं गई जद बहुत सारा मेरा नौजवान बच्चा जगह है वे पार्टी ऑफिस में मन आज भी याद है भीम हो एक तो सारों आके जिको लड़ाई लड़ो और कह लग रहे हो कि थे कईयों के मुंह में पानी आ रहे हो विधायक बनन खातर जथे माजी ने बाजड़े बेचन लग रहे हो और बड़ा रोया बच्चा और ये चीज को मैं एक बात कहूंगी कि शायद मेरे जानो पार्टी ने मैं बड़ो नुकसान होयो और बहुत सारा कार्यकर्ता जगह है मैं निराश होके घर बैठ गया नौजवान बच्चा घर बैठ गया बहुत सारा बड़ा बुजुर्ग जगह है मैं घर बैठ गया कि घर को तो कोई है ही कोनी तो मैं आज थाने एक बात कहूंगी अब थाने घर को बच्चों दे दियो है दिग्विजय सिंह चौटाला जो है वो जननायक जनता पार्टी को डब वाली उम्मीदवार है और 40 साल तक जगी गलती मैं करी जागे अठो दोबारा बा गलती जिंदगी में कदी दोहरा ने वो काम कौन करा मैं थाने 40 साल का करे नौजवान बच्चों जो को है वो दियो है थे डट के दिग्विजय को साथ दियो और दिग्विजय के साथ खड़े हो आज जननायक जनता पार्टी ने एक एक कार्यकर्ता की एक एक आदमी की एक एक गांव के नौजवान बच्चे की मेरी मातृ शक्ति की मैं कहूँ बहुत ज्यादा उम्मीद है बहुत ज्यादा जरूरत है कि दिग्विजय के सिर पर हाथ रखो इन आशीर्वाद दो इन विजयी भव को आशीर्वाद दो इन जिता के विधानसभा भेजने को काम करो। अब दुष्यंत जो है वो बहुत अच्छो कार्य करे पर मैं टांग कर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी भी काम ने रोकन को काम करे मैं थाने विश्वास दिलाऊं कि जगह दिन कलम जननायक जनता पार्टी के हाथ में आ जाएगी जगह दिन थारो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होगा वो सारे दिन जगह अपने रोकेड़ा काम है मैं सारू पहली दुष्यंत करण को काम करे आज गाँव में जमा मैं डबाड़ी हल्के में 10 गाँव डोर टू डोर करे मैंने सारो ज्यादा यकीन बनी चीज को दर्द हो पर मैं लुगाइया ने एक बात समझाऊं कि लोग कहे कि आज बेरोजगारी मैं खुद कहूं कि बेरोजगारी चकी है वह आज चरम सीमा पर है हर घर में हमारी बेटियां पढ़ी लिखी बहु लिया ना तो मैं काम करे ना पाऊ काम होवे अब मैं सास वहां चकी है वह काम बेटा ही नौकरी लगा दे बेटा इन्हें नौकरी लगा दे क्योंकि ये काम तो करे को नहीं थारी बात बिल्कुल जायज है कई लुगाइया मैंने ओड़ को भी देवे कि इतने सालों थारे साथ लगे रहा टाबर तो नौकरी कौन लग गया मैं एक बात था ना आज खुल के कहूंगी
कि मैं 10 साल की सजा जबकि अजय सिंह चौटाला और चौटाला साहब भुगती है, वह क्या खातर भुगती है कि सिर्फ नौकरी लगाने की एवरेज में भुगती। कौन भुगती के मिलियो माने सारो राजनीतिक कैरियर से कोई अजय सिंह चौटाला जी और चौटाला साहब को खराब हो गया। सारी उम्र जगह बाप बेटो सड़का पर फिरया राजनीति करी, मिलियो के 10 साल की सजा। चौपट बोलियो क्यों राजनीतिक कैरियर दोनों का दोनों आज के दिन घर बैठ गया। 2026 तक तो दोनों बाप बेटो इलेक्शन भी कौन लड़ सके। मैं लुगाइया ना बात पूछूं कि थे मने ओल मोदियो, मैं किन ओल मोदियो जाके किन बतावा कि जगह शेर की तरह सड़का पर फिरता मैं 10-10 साल जाके सजा काट गया है ना। मैं इलेक्शन लड़ सके। अब आदमी जब 10 साल जेल में रही है तो भी नहीं 10 साल में बदलन में भी लगेगा। बहुत जल्दी बदलाव होनी चीजा में आंखों देखी है नहीं। जगह लोग कवे कि बात तू 2014 में रो रो के वोट मांग लिया। मैं अपने एक बात कहूंगी आज नूयाली गांव, क्योंकि वो मारो गांव है। सारी उम्र वो लोग चौधरी देवीलाल ने लेके अजय सिंह चौटाला ने चौटाला साहब ने मने दिल खोल के वोट दिए, मारो साथ दिए। आज कांग्रेस कहे का कि ये तो काम काम अंग नु करवा लो और वोट थे माने दे दो। मैं को माने दो लगता नहीं गांव में पड़े ना तो गांव काटे को काम करो। इनेडा बोर्ड लगा रखे विधायक अमित सियाग, अभी सड़क पर चाल के देखो तो 4-4 फुट का खड्डा और कादो है। मैं तो कह गई हूँ लखवाड़े गांव जाके, मैं कह भी अमित सियाग के पेज पर है फोटो डालो दिखाओ भी इनके ते 5 साल में सड़क बनाई है। जब वोट मांगे आवे तो थे भी वोट की चोट करारो जवाब दे। बड़ो हथियार एक कार्यकर्ता कर मतदाता कर हो ही कौन सा है। सारों बड़ो हथियार अपने कन के है आपनो वोट। मैं को जवान की लड़ाई ना लड़ गे, गंदी बाता ना बोल गे, गाली गलोच ना बोल गे, किने निचो ना दिखा गे, थे वोट की चोटू कांग्रेस ने और बीजेपी ने मारन को काम करो। ये बड़ी ताकत आज के दिन अपनी उंगलियां में आई है और ये ताकत को इस्तेमाल करो। एकजुट हो जाओ, लोग कवे दिग्विजय को काम ले लो। अरे यहाँ सोचो कि जब वो विधायक बनिया बिना आपकी जेब में रुपया लगा के जगह 40 गांव में लाइब्रेरी खोलन को काम करे, कितने गांव में धार्मिक शेड देने को काम करे, चाहे वो गौशाला हो चाहे वो रामदेव जी का मंदिर हो, कितनी गलियां बनवाने को काम करे, खाना को काम करे। थे 5 साल विधायक बन के करो के बाप बेटा में भी सारी उम्र घर चाहे पिलानू डरता सारी उम्र रेस्ट हाउस में निकाल के। अरे मैं तो सुधा तो इसे भी सुधे को के काम करो जो वो सारी उम्र थे सास राम काट दी। लोगों के बीच में रो चौधरी देवीलाल को पढ़ो तो है, सारी उम्र चौधरी देवीलाल लोगों के बीच में रहे। मैं को इन दातों सारी उम्र लोगों के बीच में रहे और लोगों का काम करे। और फिर था एक बात कह के जाऊंगी नू यारी में, अगर कोई काम करेगो अगर घर घर नौकरी देने को काम करेगो तो वो परिवार करेगो, बाकी कोई नहीं करे। पहले भी मैं ही नौकरी लगाया, मैं लुगाइया ना हर घर में आप बात कह गया हूँ कि कन नौकरी लगाया चौधरी देवीलाल अजय सिंह जी चौटाला चौटाला साहब। अरे आगे अगर कोई काम करे वो थारी डबाली हल्के को तो दुष्यंत चौटाला अजय सिंह चौटाला और दिग्विजय चौटाला करे। काम बिना विधायक बन के जब वो थारू नौजवान कर सके वो विधायक बन गए उम्मीद करो कि जब वो 90 विधायिका के बीच में डबाली को विधायक बन गया अगर फिर चुनगे भेजो वो, क्योंकि ताकत हमारे घर में कौन है, ताकत थारी उंगलियां में है। हर गांव अगर वो ठान ले कि मैं जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार ने भारी बहुमत को जिता के भेजनो है तो कोई भी ताकत आपा ने विधानसभा जानू कौन रोक सके। तो वो विधानसभा में जब थारी आवाज उठावे को नहीं और थारे खातिर बोल ले को तो थारो सीनो चोड़ो हो थारे खातिर काम लेके आवेगो।